In these slides we will discuss about systematic error and develop an understanding about systematic errors. As we have discussed earlier, systematic errors means positive or negative errors. Systematic error can be determined in any measurement, eCly and determinate errors errors which errors jo determine exactly a mean point k plus minus duno sidespi random errors तो सिस्टमेटिक एरर या पॉजिटिव एरर्स हैं या नेगेटिव एरर्स हैं एरर को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली हम डेटा जनरेट करते हैं मिसाल के तौर पे ये एग्जाम्पल अक्सर अवत्यात आपको इस, इसके बाद भी वास्तव पड़ेगा अगर हम एक पाइपेट की कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं तो 10 एम वॉल्यूम को हम डिस्पेंस करते हैं एक पहले से टेढ़ बीकर के अंदर और 10 एम पानी का वजन 10 ग्राम होना चाहिए हमारा डाटा अगर 9.5 के आसपास जैसे 9.51 ग्राम 9.52 ग्राम 9.49 ग्राम 9.51, 9.50 के आसपास मूव कर रहा है इसको रैंडम एरर कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर रहेगी लेकिन ये 0.5 फाइव का डिफरेंस यानी 10 एम की बजाय हमारी पाएपिट हमेशा 9.5 पॉइंट डिस्पेंस कर रही है इसे हम एरर कहते हैं जो सिस्टमेटिक एरर्स में आती है यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है के कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले डाटा जनरेट करते हैं और डाटा जनरेट करने के बाद रेप्लिकेट डाटा लेने के बाद उनका मीन कैलकुलेट करते हैं जैसे अभी इस एग्जाम्पल में 9.5 पॉइंट हमारा मीन था और डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू मे कंसिडर एज एन एरर ये स्लाइड भी यही डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ये एरर नेगेटिव एरर्स भी हो सकती हैं जैसे ये पाइपिट के एग्जाम्पल में थी और ये एरर पॉजिटिव एरर भी हो सकती है जैसे अगर टू ग्राम का एक वज़न एक बाट आप अपने एनेटिकल बैलेंस पर रखें और वो हमेशा टू पॉइंट टू ग्राम वे कर रहा हो तो ये पॉइंट टू ग्राम इस पॉजिटिव एरर यकीन रैंडम एरर्स उसमें भी मौजूद होंगी कि टू पॉइंट टू ज़ीरो वन टू पॉइंट टू जीरो थ्री टू पॉइंट वन नाइन नाइन वेरिएशन तो आएगी ये वेरिएशन रैंडम एरर्स हैं लेकिन पॉइंट टू ग्राम का एवरेज डिफरेंस इसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं सिस्टमेटिक एरर सैम्पल के साइज पे डिपेंड नहीं करती यहाँ किया गया है कि एब्सल्यूट एरर इंडिविजुअल रीडिंग्स को अगर हम ट्रू वैल्यू इन दिस केस नाइन पॉइंट फाइव वन माइनस टेन पॉइंट ज़ीरो ये हमारी पॉइंट फाइव या पॉइंट फोर नाइन एम एल ये एरर है जिसे हम एप्सल्यूट एरर कहेंगे या तो हम इंडिविजुअल रीडिंग्स को लेकर हर एक रीडिंग को माइनस करें ट्रू वैल्यू से और फिर उनका एवरेज ले लिया जाए ये भी एक तरीका है या तमाम इंडिविजुअल रीडिंग्स को कलेक्ट करने के बाद पहले उनका मीन लिया जाए और फिर मीन को ट्रू वैल्यू में से माइनस किया जाए तो ये भी एब्सोल्यूट एरर निकालने का एक तरीका है एक और बेहतर रिप्रेजेंटेशन रेलिटिव एरर की फॉर्म में है यानी वी यू वॉन्ट टू रिलेट दिस एरर रैलीटिव टू एक्चुअल वैल्यू मिसाल इसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे रैलिटी वैर का फार्मूला दर्ज है कि हम इंडिविजुअल वैल्यू में से एक्स टी ट्रू वैल्यू को माइनस करते हैं और डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू अगर हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो हम परसेंटेज में रिपोर्ट करेंगे और अगर थाउजेंड से मल्टीप्लाई करें तो इसे पार्ट पर थाउजेंड में रिपोर्ट करेंगे हम अगली स्लाइड्स में पी को दोबारा डिस्कस कर रहे होंगे लेकिन वहाँ स्मॉल वर्ड्स में पी लिखा होगा जिसका मतलब पार्ट्स पर ट्रिलियन है यहाँ ये यह कैपिटल वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं पीपीटी इसे पार्ट्स पर थाउजेंड्स में हम रैलीटिव एरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम यहाँ पर मौजूद है कि 0.5 मिलीग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट इज लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ वॉशिंग एंड द प्रेसिपिटेट एक्चुअल वे फाइव मिलीग्राम वट विल बी द एरर ड्यू टू सॉलेबिलिटी तो आप रैलीटि एरर कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी एरर की वैल्यू 0.5 मिलीग्राम है हमारी एक्चुअल वैल्यू 500 मिलीग्राम है और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0.1 परसेंट ये रेलिटिव एरर है अगर इसी को हम पार्ट्स पर थाउजेंड में निकालें तो ये वन पी की फॉर्म में आ जाएगा ग्रॉस एरर एक तीसरी फॉर्म है जिसमें हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रॉस एरर से मुराद के मुख्तलिफ़ किस्म एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक एनालिस्ट को मुख्तलिफ काम करने की ज़रूरत होती है आप सैम्पल प्रिपेयर करते हैं आप उसे फ़िल्टर करते हैं बाजूक कॉलम क्रमोटोग्राफी करते हैं और फिर उसके बाद अपनी तमाम वैल्यूज़ को जमा करके कैलकुलेट करते हैं और इन तमाम पासिस में जहाँ से आप गुज़र रहे हैं आप मुख्तलिफ़ एरर्स इंट्रोड्यूस करते हैं या उसमें एरर्स एडअप होती जाती हैं तो ये तमाम एरर्स जो पर्सनल एरर की वजह से एडअप होती हैं वो फाइनली ग्रॉस एरर कहलाती हैं ये ग्रास एरर नॉर्मली आउट को भी रिप्रेजेंट करती हैं यानी कुछ ऐसी रीडिंग्स का बायस बनती हैं जो हमारे एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा कर देता है इसे हम ग्रॉस एरर कहते हैं